नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो में हम जाने वाले हैं कि कमेंट जो आप करते हैं उसका मैं देने वाला हूं सॉल्यूशन, मतलब कि उसका रिप्लाई करने वाला हूं मैं वीडियो के माध्यम से। तो मैं आपको यही बोलने वाला हूं कि अगर आपको जो आपने वीडियो देखा ट्यूटोरियल कोर्स एप्स के बारे में, उसमें आपकी कोई भी दिक्कत हो रही है, कमेंट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो या फिर ट्वीट कर सकते हो मेरे को डायरेक्टली, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लेकिन यार अधिकांश मैं कोशिश करूँगा कि आप कमेंट ही कीजिए, क्योंकि आपकी जो कमेंट होता है वहाँ से ही मैं आपकी क्वेश्चन को पिक करूँगा। और आज मैं कुछ कमेंट में देने वाला हूँ, जो दो लोगों का कमेंट है। पहला कमेंट क्या है, एक लोग बोले हैं जो आपको दिख रहा है, यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको नीचे, कि अगर हमारे पास एडसेंस अकाउंट पहले था और उसको डिजेबल हो गया, वो अकाउंट पहले था एक्टिवेट, मतलब उसमें हमारा $10 हो चुका था और उसको हमने डिजेबल कर दिया, मतलब कि कोई कारण डिजेबल हो गया इनवैलिड के लिए। क्योंकि अधिकांश अक्सर हम लोग क्या होता है ना कि जब भी ऐप बनाते हैं तो उसमें यार हमारा एडसेंस अकाउंट अधिकांशता ऐड लिमिट लगता है और वही कारण बहुत लोग डिजेबल करते हैं। लेकिन यार बड़ा पॉइंट यह था कि क्या हम उस एडसेंस अकाउंट में जो हमने अकाउंट बैंक अकाउंट को ऐड किया था उसको क्या हम न्यू अकाउंट में ऐड कर सकते हैं, ये क्वेश्चन था आप लोगों में से एक का। तो मेरा कहना है यस गाइज, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने दम पर एंड्रॉयड ऐप बनाएं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बगल में दिया रहेगा बेल आइकन, उसको प्रेस करके आप ऑल पर क्लिक कर दिया, क्योंकि आपको इस चैनल में मिलेगा बहुत सारे वीडियो जो आपको सिखाएगी अपनी भाषा हिंदी में। प्लस में यहां आपको मिलने वाली है प्लेलिस्ट वाइज वीडियो, ताकि आपको कोई भी वीडियो ढूंढने की जरूरत ना पड़े। जरूरी नहीं है कि आपके एडसेंस अकाउंट डिजेबल हुआ है या फिर कितना एडसेंस अकाउंट आपके पास है, अगर आप चाहते हैं कि सारे एडसेंस अकाउंट में एक ही अकाउंट नंबर रहे, बैंक अकाउंट नंबर, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक गूगल एडसेंस का ऐसा कोई भी रूल नहीं आया है कि आपको जिसके नाम पर है उसी का एडसेंस अकाउंट, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके नाम पर एडसेंस अकाउंट है और बैंक अकाउंट किसी दूसरे नाम पर है तो आप उसको ऐड कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और दूसरी प्रॉब्लम था कि जब हम लोग, जैसा कि होता क्या अभी टाइम में कि बहुत पहले जो बनाते हैं प्रोजेक्ट, 6 महीना 1 साल पहले जो बना रहता है प्रोजेक्ट, तो अभी अगर उस प्रोजेक्ट को हम लोग ओपन करें तो उसमें क्या था कि डिपेंडेंसी रहता है चेंजिंग, मतलब कि 1 साल पहले हम लोग कुछ और डिपेंडेंसी को यूज कर रहे थे, अभी कुछ और न्यू आ गया, तो उन लोगों को कैसे उस डिपेंडेंसी को अगर हम अपडेट करेंगे तो कैसे अपडेट करेंगे। देखिए अगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि हमारा जो डिपेंडेंसी, देखिए यहाँ आता है येलो कलर का, तो इसमें आपको क्या करना है, डायरेक्टली अल्ट प्लस एंटर क्लिक करना है, जो भी उस डिपेंडेंसी का न्यू वर्जन आया रहेगा वो आपको शो कर देगा, डायरेक्टली एंटर प्रेस कीजिए और उसको अपडेट में कर दीजिए। सारा डिपेंडेंसी आपको ऐसे ही करना है ताकि आपको बाद में ये, आपको देखिए मैंने क्या है ना कि बहुत लोग के माइंड में ये रहता है कि यार डिपेंडेंसी न्यू वर्जन क्या आया हुआ है, उसको खोजने में गूगल में सर्च लगता है, सर्च करना पड़ता है, बहुत लोगों को मिलता है बहुत लोगों को नहीं मिलता है। तो यार मेरा एक ही काम, जैसे जहाँ तक मैं जानता हूँ एज ए डेवलपिंग लाइन में मैं डेवलपर हूँ और मैं जहाँ तक मुझे पता है कि डिपेंडेंसी, अगर आपके पास डिपेंडेंसी का न्यू वर्जन आया हुआ है और आप पहले उस डिपेंडेंसी को यूज कर चुके हो अपना एंड्रॉइड स्टूडियो में, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप उस डिपेंडेंसी को, आपको गूगल में सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खोजने की ज़रूरत नहीं है कि न्यू वर्जन का क्या है वर्जन कोड, यार आप एंड्रॉयड में जाओ, वहीं से आप डिपेंडेंसी को अल्ट एंटर करो, ऑटोमेटिक जो रहेगा न्यू वर्जन वो आपको शो कर देगा, डायरेक्टली वहीं से उसको इंसर्ट कर सकते हो और अपने प्रोजेक्ट को दोबारा सिंक मोड पर भेज सकते हो और अपडेट करके आप अपना न्यू ऐप को लॉन्च कर सकते हो, अपडेटेड ऐप लॉन्च कर सकते हो। हाँ एक बात और बताना था कि आपने बहुत कमेंट किया इस ट्यूटोरियल में जो मैं बना रहा था कोर्स ऐप्स में, तो इसमें जिसका जिसका कमेंट मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा आने वाले 5 दिन, मतलब कि 11 आज है और आने वाले 15 जुलाई 2020 तक मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई दूंगा एज ए वीडियो माध्यम से, जैसे आप हमको देख रहे हैं। क्योंकि देखिए जब भी मैं कोई ट्यूटोरियल स्टार्ट करता हूँ तो उसमें जब आप कमेंट करते हो तो यार उस कमेंट को मैं रीड जरूर करता हूँ, आपके कमेंट को मैं पढ़ता जरूर हूँ, उसको हट देता हूँ अगर अच्छा लगता तो हट देता हूँ। तो उस टाइम में यार देखिए कोडिंग है, कोडिंग में यार कमेंट के माध्यम से आपको मैं समझा नहीं पाऊंगा, तो मैं जहां तक कोशिश कर सकता हूं कि यार आपको वीडियो के थ्रू मैं आपको बता सकता हूं कि उसमें क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यार आपको यही बोलूँगा कि अगर आप कोर्स ऐप में कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है, कोई तरह का एरर, आप डायरेक्टली हमको व्हाट्सअप कीजिए, डीएम कीजिए, अगर आपके पास व्हाट्सअप नंबर होगा तो व्हाट्सअप कीजिए और डीएम करते, मतलब अगर इंस्टाग्राम से हमको फॉलो नहीं किए हैं तो आप इंस्टाग्राम जाकर हमको फॉलो कर सकते हो और वहाँ से डायरेक्टली डीएम कर सकते हो। बस यही छोटी सी वीडियो थी जो मैं आपको बता रहा था आज की, आज से आपको कमेंट का सॉल्यूशन मिलने वाला है आज से। तो अगर आपके मन में कोई सॉल्यूशन है, कोई प्रॉब्लम है इस ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। यार एक
रिक्वेस्ट है आप लोगों से, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ क्योंकि यार ऑर्डर देने का मेरे को हक नहीं है, कि अगर आप को कोई प्रॉब्लम होती है एंड्रॉयड शेड्यूल रिगार्डिंग में, तो यार अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं और मेरे वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमको कमेंट कीजिए उस वीडियो के बारे में, तो यार मैं उसका सोल्यूशन जरूर दूंगा। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त लोग हैं, हमारे व्यूअर लोग हैं, जो किसी दूसरे चैनल का वीडियो उठाकर बोलते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व करें। यार सॉल्व कर दूंगा जब मैं उस वीडियो को, उस ट्यूटोरियल को मैं खुद सीखूंगा क्या है, उसमें क्या एरर आ रहा है, उसके बाद ही सॉल्व करूंगा। यार मैं इतना बड़ा, देखिए कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन बचपन से नॉलेजफुल नहीं मिल रहा है, उसको एज समय के अनुसार उसको नॉलेज मिलता है, धीरे धीरे अपना नॉलेज को गेन करता है, उसके बाद ही वो आज मैं आपके सामने एक डेवलपर बन के खड़ा हूँ। तो क्यों यार, मैंने मेहनत की है, मैंने 2 से 3 साल यार मैंने एंड्रॉयड ऐप के पीछे मैं पागल रहा हूँ। यार डेवलपर बनना इतना आसान नहीं है, मेरा फील्ड कुछ और है, मैं एक इंजीनियर हूँ और मेरा फील्ड कुछ और था, मैं कुछ और फील्ड में इंजीनियरिंग किया था लेकिन मेरा इंटरेस्ट आ गया डेवलपिंग लाइन में, इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। यार ऐसा नहीं है कि आप अगर आप कुछ काम कर रहे हो, जिसका पढ़ाई कर रहे हो उसी का आप काम कर सकते हैं, यार अगर आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो ना आप वही कीजिए, अगर लाइफ में कुछ करना है तो, नहीं करना है तो यार वही काम करते रहो, आपकी मर्ज़ी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कमेंट सेशन वीडियो में।